पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है कृष्णा दादा कोंडके की, जिनका जन्म हुआ 8 अगस्त सन 1932 में। यह मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से बनकर उभरे थे। इनका जन्म मुंबई के नायगांव इलाके में हुआ, जो कि मशहूर लालबाग इलाके के नजदीक है। इनके परिवार की एक दुकान थी और कुछ प्रॉपर्टी भी, जो कि अक्सर किराए पर चढ़ा दी जाती थी। इनके परिवार के लोग मुंबई में बतौर मिल वर्कर काम करते थे। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि दादा कोंडके को दरअसल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, क्योंकि इनकी फिल्में सबसे ज्यादा सिल्वर जुबली गिनी गई थी। हालांकि इनका परिवार इंगावली गांव से ताल्लुक रखता था, इस बात पर भी हैरानी होती है। अपना बाजार नाम की एक दुकान में इन्होंने नौकरी की थी। इन्होंने इतना दुख देख लिया कि इन्होंने मन बना लिया कि अब ये लोगों को हंसाएंगे। इनकी शुरुआत तो दरअसल बतौर स्टेज अभिनेता ही हुई, और जब ये रंगमंच पे काम करते थे तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जाकर इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी। वहां पर इन्हें समझ में आया कि लोग दरअसल किस तरह का मनोरंजन चाहते हैं, कैसे उन्हें हंसाया जा सकता है। आगे जाकर इन्होंने खुद की अपनी एक थिएटर कंपनी बनाई और राइटर वसंत सबनिस के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। इनका नाटक खनखन पुरचा राजा में इनका अभिनय देखते ही बनता था। इस परफॉर्मेंस के बाद वसंत सबनिस ने इनके लिए नाटक लिखा, विच्छा माजी पूरी करा। इस नाटक के तकरीबन 1500 शोज हुए और इस नाटक ने ही दादा कोंडके को एक स्टार बना दिया। और सन 1969 में इन्होंने मराठी फिल्मों की तरफ रुख किया। बहालजी पिंडहरकर की फिल्म तांबड़ी माटी में इन्होंने काम किया। इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म से नवाजा गया। उसके बाद दादा कोंडके एक प्रोड्यूसर भी बन गए। फिल्म बनाई सोंगा दिया, इसकी कहानी भी वसंत सबनिस ने ही लिखी थी और इसे गोविंद कुलकर्णी ने डायरेक्ट किया। दादा कोंडके के डायलॉग्स भी बड़े मशहूर हुए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इनके डबल मीनिंग डायलॉग जो हैं लोगों को बहुत हंसाते हैं। इनके साथ राम लक्ष्मण ने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया था। आगे जाकर महेंद्र कपूर साहब की आवाज का भी उपयोग इन्होंने किया और उषा मंगेशकर जी की आवाज का भी। दादा कोंडके अक्सर अपने जमाने के मशहूर एक्टर भगवान दादा को अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाते थे। दादा कोंडके के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है इनकी शादी हुई नलिनी से, पर आगे जाकर इनका तलाक हो गया। इन्होंने दोबारा शादी ना की। दादा कोंडके मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर कलाकारों में से एक बनकर उभरे, जिन्होंने हंसाया भी और बड़ी सिंपल कहानियां सबके सामने रखी। दादा कोंडके बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना का हिस्सा बने और इन्होंने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जाकर बहुत ही जबरदस्त भाषण भी दिए। 14 मार्च 1998 वो दिन बनकर आया, मुंबई के दादर इलाके में स्थित इनका घर रमा निवास में इनका निधन हो गया। उस वक्त दादा कोंडके फिल्म जरा धीर धरा में काम करने की सोच रहे थे, जिसमें एक बार फिर उषा चव्हाण इनके साथ थीं। आज भी जब एक सरल सिंपल एंटरटेनमेंट की बात होती है तो दादा कोंडके का नाम सबकी जुबां पर आता है। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।